फ्रेंड्स, मिंकीज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर सी रेसिपी, चिकन चिल्ली, जो हम सबका फेवरेट है। इसे बनाएंगे हम बहुत सिंपल तरीके से, लेकिन इसका टेस्ट एकदम जबरदस्त होगा। तो चलिए सिंपल और सुपर टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। 250 ग्राम चिकन है, इसे पहले से वॉश कर लिया है। एक शिमला मिर्च है बड़े साइज का, 3 प्याज है मीडियम साइज का, 6 हरी मिर्च है, 1 पुट लहसुन के जौओं को मैंने छील लिया है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 1 अंडा है। ये रेड चिल्ली सॉस है, वाइट विनेगर, टोमेटो केचप, ग्रीन चिल्ली सॉस और सोया सॉस, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे चिकन चिल्ली में जाएगा। एक बॉल लिया है मैंने, इसमें सारे चिकन को डाल देंगे। मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे 1 चम्मची, 1 चम्मची टोमेटो केचप डाल देंगे, 1 चम्मची नमक डालेंगे, नमक अपने हिसाब से स्वादानुसार डालें, 1/4 चम्मची गोलकी पाउडर डाल देंगे। इन सब को मिक्स कर लेंगे, अच्छे तरीके से मिला लेंगे। फिर इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, ये 2 हो गया। 2 चम्मच मैदा डाल देंगे, 1 और ये 2, फिर से मिक्स करेंगे। अब इसमें 1/4 चम्मची बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर डालने से एकदम फूला फूला होगा, सॉफ्ट होगा। अब इसमें 1 अंडा भी डाल देंगे। अंडा डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और अंडा बाइंडिंग का भी काम करेगा। इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अंडा डाली हूँ, अगर अंडा ना डालना चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन अंडा डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए गीला भी हो गया। 1/4 चम्मची लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। तीखा अगर आप कम पसंद करते हैं तो लाल मिर्च पाउडर ना डालें, क्योंकि गोलकी पाउडर तो हम लोग डाल ही चुके हैं। फिर से इन सबको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे ताकि लम्स वगैरह ना रहे। ये देखिए इस तरीके का रहेगा। अब इसे आधा घंटा के लिए ढककर छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए और इसे साइड कर देंगे। ये मैंने चॉपर लिया है, इसमें 5 हरी मिर्च डाल देंगे, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और ये छीला हुआ लहसुन भी डाल देंगे। इन सबको क्रश कर लेंगे। मैं यहाँ चॉपर में क्रश कर रही हूँ, आप चाहें तो छुरी से भी बारीक काट सकते हैं या जो छोटा उखली होता है उसमें भी क्रश कर सकते हैं। ये देखिए हमारा प्रॉपर क्रश हो चुका है। और ये हमारा 3 प्याज है, इसे रफली चॉप किया है जिस तरह से चिकन चिल्ली में डालते हैं। और ये शिमला मिर्च को भी बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है। अब हम चिकन को तलने की प्रोसेस पे चलते हैं। फ्लेम ऑन करेंगे और कढ़ाई चढ़ा देंगे। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। रिफाइंड ऑयल ज्यादा डालेंगे इसलिए कि छानना है। ये देखिए हम चिकन को चेक कर लेते हैं। ये देखिए चिकन हमारा बिल्कुल मैरिनेट हो चुका है और मसाला बिल्कुल इसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है। इधर हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। तेल बहुत गर्म में नहीं डालना है, 1 डालकर चेक करेंगे। तेल हमारा बिल्कुल सही गर्म है। फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और बारी बारी से एक एक कर कर चिकन डालते जाएंगे। जल्दी जल्दी डालना है। चिकन को एक साथ डालने से टेम्परेचर एकदम लो हो गया है तेल का, इसलिए फ्लेम को यहाँ पे मीडियम कर देंगे। फ्लेम अपने हिसाब से सेट करना है, चिकन पकना भी चाहिए, नहीं तो ऊपर से लाल हो जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। अब इसे हम बारी बारी से उलटते पलटते जाएंगे और गोल्डन होने तक पकाएंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा गोल्डन हो रहा है। इसी में हमको पूरे चिकन को पकाना है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे और पेशेंस से बनाएं। चिकन बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5-6 मिनट लगता होगा, इसलिए कि चिकन तो पहले से ही मुलायम होता है और टेंडर भी किया हुआ था। ये देखिए हमारा तैयार हो चुका है। अब धीरे धीरे हम इसे निकालते जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह का रहेगा। थोड़ा थोड़ा करके तेल को छानते जाएंगे किनारे से और निकालते जाएंगे प्लेट में। चिकन चिल्ली हम सबका फेवरेट होता है, इसे बनाना भी बहुत आसान है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और बिल्कुल यम्मी लग रहा है। इसे हम स्टार्टर के रूप में भी खा सकते हैं। अब हम चलते हैं ग्रेवी बनाने के प्रोसेस पे। फ्लेम ऑन करेंगे और कढ़ाई चढ़ा देंगे।
और इसमें 5 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। ये वही रिफाइंड ऑयल है जिसमें मैंने चिकन तला था। ये हमारा 5 हो चुका। अब इसमें हम कटा हुआ प्याज डाल देंगे जो रफली चॉप किए हुए थे। ये सारे को डाल दिए और इसी में शिमला मिर्च भी डाल देंगे और झटपट से इसे चलाएंगे। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, क्रंची होने तक रखना है, इसीलिए 2 मिनट तक ही पकाएंगे और झटपट से निकाल लेंगे। ये देखिए फटाफट से निकाल लिए और इसे साइड कर देंगे। और इसी में हम अदरक लहसुन हरी मिर्च जो क्रश करके रखे हुए थे इन सारे को डाल देंगे। फ्लेम यहाँ पे एकदम लो कर देंगे, तेज फ्लेम पे नहीं बनाना है, नहीं तो मसाला जल जाएगा। इसे चला लेंगे चारों तरफ से अच्छी तरीके से। इधर हम कॉर्नफ्लोर का घोल बनाने के लिए एक बॉल लेंगे और थोड़ा सा उसमें पानी डाल देंगे। इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि लम्स वगैरह ना रहे। ये देखिए अब इसे हम साइड कर देंगे। अब इधर हम अपनी कढ़ाई को चेक कर लेते हैं। इसमें 2 चम्मच टोमेटो केचप डाल देंगे और 2 चम्मच रेड चिल्ली सॉस डालेंगे। ये 2 हो गया। और इसमें 2 चम्मच डार्क सोया सॉस डालेंगे, 1 चमची विनेगर डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। फ्रेंड्स, इस स्टेज पे सॉस वगैरह डालने से सॉस पकता भी है और करमलाइज टेस्ट भी आता है। अब हम स्वादानुसार नमक डालेंगे। मैं यहाँ पर 1.5 चमची नमक डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालें टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम 1/4 चमची चीनी डाल देंगे, चीनी डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चला लेंगे। अब हम कॉर्नफ्लोर का घोल को डाल देंगे, ये जो तैयार करके रखे हुए थे, ये सारे को डाल दिए और मिक्स कर देंगे। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे, लगातार से चलाते रहना है ताकि लम्स ना पड़े। अब मैं यहाँ पे 3 कप पानी डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से पानी डालें जितना भी ग्रेवी रखना है। और 1/4 चमची अजीनोमोटो डालेंगे, अजीनोमोटो डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और चाइनीज डिश में पड़ता है, ये ऑप्शनल है। अब इसमें हम रेड फूड कलर डालेंगे 1 पिंच, ये भी ऑप्शनल है, फिर से मिक्स कर देंगे। फूड कलर डालने से कलर बहुत खूबसूरत आता है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इसमें हम ग्रीन चिल्ली सॉस 1 चम्मच डालेंगे, ये मैं डालना भूल गई थी फ्रेंड्स, फिर से मिक्स कर देंगे। कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये देखिए, और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब इसमें हम सारे चिकन को डाल देंगे। फ्लेम हमारा यहाँ पे मीडियम रहेगा। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे, ये देखिए। अब हम ढक कर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये हमारा 5 मिनट हो चुका है, चेक करते हैं। वाह क्या ज़बरदस्त लग रहा है। सॉस का अगर मेजरमेंट बिल्कुल सही होगा तो ग्रेवी हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब इस स्टेज पे हम इन तले हुए प्याज और शिमला मिर्च को डालेंगे। इसे 2 हिस्सा डालेंगे और 1 हिस्सा बचा कर रखेंगे गार्निशिंग के लिए, फिर से मिक्स कर लेंगे इन सबको। ये लगभग कंप्लीट पे है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये मैं बिल्कुल आसान तरीके से बनाना बताई हूँ फ्रेंड्स। अब इसमें हम जीरा गुलकी और लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे 1 चमची, फिर से मिला देंगे। वाह क्या खुशबू है, इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। ये आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। इसे खाएं, खिलाएं और एंजॉय करें। ये हमारा सुपर टेस्टी सी रेसिपी बनकर तैयार है, इसे ट्राई जरूर करें। ये फ्राइड राइस हो या नूडल्स, इन सब के साथ बिल्कुल परफेक्ट जाता है।
अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया फ्रेंड्स, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सबसे पहले नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।